दोस्तों ऋषभ पंत ने T20 स्टाइल में श्रीलंका टीम की करी धुलाई। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या है ऋषभ पंत की पूरी हाईलाइट बैटिंग बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है और ऐसे में मुकाबला मोहाली में खेला जा रहा है और इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पारी का आगाज कर रहे कप्तान रोहित ने अपनी अंतिम श्रृंखला खेल रहे सुरंगा लकमल का स्वागत चौके के साथ किया और फिर मिड विकेट बाउंड्री पर चौका जड़ा। उन्होंने कुमारा पर डीप मिड विकेट पर एक और चौका मारा लेकिन इस तेज गेंदबाज के शॉर्ट गेंद को पुल करने की कोशिश में डीप फाइन लेग पर लकमल को कैच दे बैठे। रोहित ने अपनी पारी में 6 चौके मारे। दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल ने भी कुछ आकर्षक बाउंड्री लगाई। भारत के लिए हनुमा बिहारी ने 58 जबकि अपना 100वां टेस्ट खेल रहे विराट कोहली ने 45 रन बनाए। भारत ने सुबह के सत्र में कप्तान रोहित शर्मा ने 29 और सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल 33 के विकेट गंवाए। वहीं दोस्तों फिर इसके बाद ऋषभ पंत ने श्रीलंका टीम को T20 स्टाइल में धोया। ऋषभ पंत ने 97 गेंद पर 96 रनों की पारी खेली जिसमें से उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के भी जड़े। भारत में खेले गए सभी 8 टेस्ट में से 7 पहली पारियों में ऋषभ पंत ने 50 जरूर जड़ी है। पंत ने मोहाली में भी ये सिलसिला जारी रखा दोस्तों और धमाकेदार पारी खेलकर इतिहास भी रच दिया। मोहाली टेस्ट से पहले तक भारत में खेले गए सभी टेस्ट की पहली पारियों में पंत क्रमशः 92, 92, 91, 98, 1 और 101 और 66 रन बनाए। ऋषभ पंत ने मैदान के चारों तरफ चौके छक्के जड़े और उन्होंने गेंदबाजों के परकच्छे तक उड़ा दिए थे। ऐसे में ऋषभ पंत T20 स्टाइल में श्रीलंका टीम की खटिया भी खड़ी कर दी और ऐसे में भारतीय टीम का स्कोर 85 ओवर में 357 रन 6 विकेट के नुकसान पर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए